बेटा मैं फोटो भी ले रहा हूं। अच्छा चलो 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 यार आगे चलो चल चलते चलते आप आ रहे हैं आप क्या आ रहे हैं आप आइए 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 यस कम 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 थैंक यू आइए आइए लॉन्च करने वाले हैं क्या एल्बम में आपका क्या किरदार था कितना अच्छा एल्बम बने क्या कॉन्सेप्ट में एल्बम बनाया गया ये मेरे मैंने बहुत सारे म्यूजिक वीडियो किए हैं बट ये वाला जो सॉन्ग है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इनकी जो सिंगर है वो ऋचा दीदी है ऋचा शर्मा जी तो उनके साथ जो काम करने का मुझे एक अनुभव मिला वो बहुत ही अच्छा था बिकॉज शी इज़ अ वेरी लेजेंड और इतने बड़े स्टार के साथ जब आप काम करते हो तो बहुत सारी चीज़ों को नहीं सीखते हो और आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मतलब जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए काम आती है। अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 4 to 5 म्यूजिक वीडियोज़ किए आई एम अ फैशन इन्फ्लुएंसर्स तो मैं सोशल मीडिया पे रील्स बनाती हूँ प्लस मैंने 7 years थिएटर को दिया है 7 साल मैंने थिएटर किया है वर्कशॉप्स किए हैं बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के और अब जो मेरा मोटो है वो म्यूज़िक वीडियो को छोड़ के आगे बढ़ना है तो मैं अपने आप को वेब सीरीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और बहुत जल्दी मैं अपनी न्यू वेब सीरीज़ अनाउंस करने वाली हूँ। हाल ही में अभी एक दिन पहले राखी सावंत की मम्मी का डेथ हो गया क्या क्या कहना चाहेंगी आप क्या संबोधन है राखी सावंत को आप लाइक करते हो? जी मैं राखी सावंत को बहुत पसंद करती हूँ बिकॉज उनका जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा फैमिली कंटेंट होता है वो हमेशा सबको कहीं ना कहीं किसी भी किरदार के रूप में हंसाती रहती हैं तो उनका सबसे अच्छी जो चीज़ है ना उनके अंदर है कि जब आप उनकी वीडियोज़ को देख रहे होते हो या आप उनको कहीं भी देख रहे होते हो तो आप उनके फेस पर देख रहे होते हो तो उनका वो जो फेस का एक्सप्रेशन होता है चुलबुलापन है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और हाँ कोई भी इंसान हो जब वो अपनी माँ को खोता है किसी भी एज में तो ये सबसे बड़ी दुख की बात होती है क्योंकि एक लड़की के लिए उसकी माँ ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा जो नया म्यूजिक वीडियो है कहाँ शूट हुआ है और क्या कॉन्सेप्ट है इसका थोड़ा? ये शूट कश्मीर में हुआ है जिनकी सिंगर ऋचा शर्मा जी हैं और डायरेक्टर जानी सर लियो एंड प्रोड्यूसर रानी हजारिका हैं। हमने ये गाना 1 साल पहले शूट किया था कश्मीर में और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरी लाइफ का क्योंकि हमने गाने को 10 दिन के अंदर शूट किया था बहुत आराम से कोई जल्दी नहीं थी हमें और हमने इसी बहाने पूरे कश्मीर को एक्सप्लोर किया घूमा वहाँ के कल्चर को जानने की कोशिश की। तो एक चीज़ मुझे बहुत मतलब जब मेरे पास इस म्यूज़िक वीडियो का ऑफ़र आया था तो मेरी फैमिली ने मुझे मना कर दिया था कि नहीं रिधिमा कश्मीर नहीं जाना बिकॉज जनरली फैमिलीज़ के दिमाग में रहता नहीं कश्मीर जा रहे हैं वहाँ के लोग पता नहीं कैसे होंगे या वहाँ पे बमबारी होती रहती है गोलीबारी होती रहती बट ऐसा सच में कुछ नहीं था। जितने ज़्यादा प्यार मुझे कश्मीर में लोगों से मिला ना और जितने ज़्यादा वो लोग स्वीट है इतने मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी लोगों को नहीं देखा। दे नो हाउ टू दे द हॉस्पिटैलिटी दे नो द कल्चर दे फॉलो ईच एंड एवरी स्वीटनेस काइंडनेस विद कोर ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट अब मैं म्यूज़िक वीडियो ऑफकोर्स अगर मुझे कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली बहुत अच्छे सिंगर्स के साथ जैसे मेरे फेवरेट मेरा हमेशा से सपना रहा है मिका जी के साथ काम करने का तो मैं ज़रूर करूँगी नहीं तो मोस्टली मैं वेब सीरीज़ के लिए जाना चाहूँगी क्योंकि आई वॉन्ट टू गो वन स्टेप अहेड इन माई लाइफ। ऋचा जी ऋचा शर्मा जी हाँ जी एल्बम का नाम है वे दिल जानिया नहीं नहीं इट्स अ हिंदी सॉन्ग और ये सॉन्ग दीदी जो हैं उनके बहुत ही करीब रहा है ये सॉन्ग क्योंकि उन्होंने खुद ही कंपोज किया है और उन्होंने शूट को बहुत दिल से किया है और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है गाइस तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें जो एक एक शॉट लिया गया है वो बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही नज़ाकत के साथ लिया गया है। और मतलब शूटिंग के दौरान ऐसा कुछ घटनाएं हुई मतलब जो आप बोलना चाहेंगे? हाँ मुझे जब मैं वहाँ पर पहुँची कश्मीर में और एक रूम में ऋचा दीदी थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे जाऊँगी उनसे कैसे बात करूँगी और तो बट जब मैं उनके पास गई और मैंने बहुत प्यार से जाके एकदम उनके फीट को टच करके बोला हेलो दी तो उन्होंने मुझे ना एकदम से गले लगा लिया तो मैं इतने कम्फर्ट जोन में आ गई। और जो सबसे सबसे टची मोमेंट था वो ये था कि सुबह सुबह मॉर्निंग में ना मुझे उस ऐसे ब्रीड्स बनाने थे अपने बालों को जो मेरा लुक था और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कैसे मैं ब्रीड बनाऊँ तो ऋचा दीदी ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरी ब्रीड बनाने में मुझे हेल्प की और बहुत ही प्यार से मतलब इतने प्यार से उन्होंने बच्चों की तरह हमें ट्रीट किया तो हमें कहीं भी ये फील नहीं हुआ कि हम अपने किसी सीनियर के साथ काम कर रहे हैं मतलब इट वाज लाइक कि हम अपने घर के अंदर एकदम फैमिली कम्फर्ट जोन के अंदर काम कर रहे हैं। तो दूसरे आप बोलने में माहिर हो और आप डरती नहीं हो लेकिन जिस तरह से राखी सावंत और जिस तरह से शैलेंद्र चोपड़ा का विवाद चल रहा है
जी तो क्या कहना चाहेंगे कि स्टालिन अभी फिलहाल पठान मूवी का विरोध कर रहे हैं, तो वो हर चैनल पर पठान मूवी का विरोध कर रहे हैं देखिए एक्चुअली कैसा ना, उनका खुद का तो कुछ भी नहीं है, वो खुद की खुद नहीं है पहले, क्योंकि वो खुद ये डिसाइड नहीं कर पा रहे उनको करना क्या है। 5 साल पहले वो सनी लियोनी जैसे खुद को कंपेयर करती थी, उनको लगता था कि वो इंडिया में सनी लियोनी की कंपैरिजन में उनसे टॉप की जाएंगी, बट वो नहीं कर पाई। फिर उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने राखी सावंत जी को पकड़ लिया, और वो राखी सावंत जी की बोल्डनेस पे कहती हैं, बट कभी उन्होंने अपने किरदार को देखा है? तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि पहले ना आप अपने अंदर झांको शर्लिन जी, आप क्या हो, और मतलब बोल्डनेस की एक हद होती है, ठीक है, आप करते हो, आपकी चॉइस है। जब आप खुद न्यूड हो सकते हो कैमरे के सामने, तो आप किसी और के ऊपर किस किस हक से उंगली उठा रहे हो? आप पुलिस स्टेशन जाते हो लोगों की कंप्लेन करने, और आपकी एक वीडियो मैं देख रही थी, आप झू वर्सा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होके, पुलिस स्टेशन में मतलब आयोग के ऊपर भी आप उंगली उठा रहे हो, और वहाँ पर आप बोल रहे हो अरे ये मेरी कंप्लेन नहीं ले रहे हैं। आपने अपना मेकअप देखा उस टाइम पर, या आपने अपने झुमके देखे? अगर आज मैं प्रॉब्लम में हूँ ना, और अगर मेरे साथ सच में इतना कुछ घटना हुआ है कि जिस चीज़ को मैं सह नहीं पा रही हूँ, मेरे साथ अत्याचार हुआ है, तो सॉरी बॉस, मैं तो मेकअप करके और झुमके पहन के पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती, बिकॉज हम मेकअप तब करते हैं जब हम खुश होते हैं। हमारे घर में कोई डेथ हो जाती है या कुछ इस तरह की ट्रेजिडी हो जाती है कि जो दुखनीय होती है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई मेकअप कर पाएगा, एटलीस्ट मैं तो नहीं कर पाऊँगी। तो जिस तरह से पठान मूवी के विरोध कर रहा है, तो क्या मतलब एक दीपिका पादुकोण को बोले कि आपने अपना कतार गाना देखा है? आपने तो आई थिंक वो गाना डिलीट भी कर दिया, क्योंकि जब आपकी कतार की शूटिंग हुई थी और मेरे पास उसका लिंक आया था जिन्होंने आपका गाना शूट किया था, एंड आई वाज रियली शॉक्ड। आप पूरा न्यूड होके ऐसे मिल्क को लेके अपने ऊपर डाल रही थी शर्लिन जी, आपको पता है जो उस दिन से मैंने चाय पीनी छोड़ दी कसम से, मेरे को दूध से नफरत हो गई जब से मैंने देखा। हमारे हिंदू कल्चर में जो दूध होता है ना, उसको शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है, और आप ऐसा मटका लेके ना न्यूड होके ना अपने ऊपर डाल रही थी, वो क्या था? उनसे तो कहीं बेहतर है दीपिका जी, दीपिका जी से तो, और आप किसी से तो खुद को कंपेयर करो मत, क्योंकि अब आपके पास काम नहीं, आप मार्केट से आउट हो गई हो, तो आपको लगता है चलो मैं इसके बारे में बोल के कंट्रोवर्सी में आ जाऊंगी, मैं उसके बारे में बोल के आ जाऊंगी, और हर कदम कदम पे FIR। एक काम करो ना, पुलिस स्टेशन अपने घर ही खुलवा लो, घर के बगल में मैं तो कहती हूँ पुलिस स्टेशन खुलवा लो, तो आपको आने जाने के लिए भी टाइम नहीं होगा, और फिर वहाँ जाके आपको मीडिया को बुला के इन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए भी नहीं होगा। और आप ये बोलती हैं कि अरे मेरे साथ इतना अत्याचार हो रहा था, आम लड़कियों के साथ तो पता नहीं क्या क्या होता होगा, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। तो पहली बात, आप सेलिब्रिटी नहीं हैं, आप सिर्फ कुछ स्टंट कर रही हैं जिनसे आप सेलिब्रिटी बनना चाहती हैं, बट आप नहीं हैं। और प्लस आपका आज तक मतलब कामा सूत्र 3D में भी आप न्यूड थी। मैं आपकी कोई भी चीज़ फैमिली के साथ तो छोड़िए, अकेले में भी देखना पसंद नहीं करती, और राखी जी को तो मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखती हूँ, क्योंकि उनसे ना मुझे एनर्जी मिलती है, हंसने का मौका मिलता है, वो चुगली हैं। अभी लास्ट ईयर आई थिंक जब वो बिग बॉस के गेट के बाहर सुपरमैन बन के खड़ी थी कि नहीं नहीं राखी जी कि मुझे बिग बॉस ले लीजिए, बिग बॉस ले लीजिए, तो वो हंसाती हैं, वो एंटरटेन करती हैं, वो जैसी अंदर से वैसी बाहर से हैं। वो आपकी तरह नहीं है कि ऐसे ऐसे करके वो अंदर से कुछ और हरकतें कर रही होती हैं और बाहर वो कुछ और किरदार निभा रही होती हैं। मैंने कभी राखी जी को डेली लाइफ में न्यूड कपड़े पहनते हुए नहीं देखा, मैंने कभी राखी जी को ओपन क्लीवेज पहनते हुए नहीं देखा। आप तो उस चीज़ से भी नहीं सक्सेस पा रही हो, आप सनी लियोनी से कभी कंपेयर करती हो, कभी आप दीपिका जी के बारे में बोलने लग जाती हो, कभी आप शाहजहां खान जी के खिलाफ जाके FIR करती हो, आप हो कौन? आप हो कौन? आप कुछ भी नहीं हो। तो अभी और एक कंट्रोवर्सी है उर्वी जावे जी, उर्वी जावे ने खूब और कंप्लेन किया सबनम खान ने, सबनम शेख ने, बिल्कुल देखो क्या करना चाहेंगे, क्यों मतलब इस तरह का लोग क्यों क्योंकि उर्फी का मुझे स्टाइल बहुत पसंद है। क्यों मैंने उनका एक वीडियो देखा था कि वो ऑटो में जा रही थी, उन्होंने ऑटो का चेन खींचा और उससे उन्होंने ड्रेस बना लिया। तो ये दिमाग की बात है, तो जिन लोगों के पास दिमाग नहीं होता ना, वो क्या करते हैं कि जो लोग अपना दिमाग लगा के या सक्सेस की तरफ, टैलेंट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि अपना टैलेंट तो कुछ है नहीं आपके पास। और अगर आप लोगों को मौका मिल जाना, तो सबसे पहले आप कपड़े उतारोगे कैमरे के सामने, बट आप लोगों को कोई देखने में इंटरेस्टेड नहीं। तो उर्फी जी जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है अपनी लाइफ में, उनकी ड्रेसेस को देख के मैं इम्प्रेस होती हूँ। आई विश जिस दिन मेरी बॉडी उर्फी जी जैसी होगी, अब मेरा मुझे मौका मिलेगा कभी लाइफ में, तो मैं ज़रूर उनके स्टाइल को फॉलो करना चाहूँगी, क्योंकि वो टैलेंट है जीता जागता। आज तक उनकी एक भी ड्रेस किसी से उन्होंने देख के इंस्पायर होकर नहीं बनाई है, लोग उनको इंस्पायर होकर चीज़ें देखते हैं।
तो आप अपना दिमाग लगाओ, अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दो, या जाके उनके खिलाफ केस कर दो, या कंट्रोवर्सी खड़ी कर दो। बॉस, इससे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ फालतू है। बेटर जाओ, अपने काम पे ध्यान लगाओ और जो अपना टैलेंट है ना उसके ऊपर काम करो। लेकिन ये कह रही है कि अगर नंगापन ये टैलेंट है, नंगापन कौन कहता है उर्फी नंगी है, बताइए उर्फी स्टाइलिश है। आप एक महिला हो, क्या बताइए कि इस तरह के ड्रेस पहनना हमारी आपकी सोच का फर्क है। संस्कृति, व्हाट इज संस्कृति? ठीक है, मानता हूँ, इतने कम कपड़े नहीं। आपने दूसरी एक्टर्स को देखा है? मैंने आज तक उर्फी जी का एक भी बॉडी पार्ट नंगा नहीं देखा, एक भी वीडियो में। उसे स्टाइल कहते हैं। हम अपनी सोच से नंगे हैं, तो प्लीज अपनी सोच को बड़ा कीजिए। छाती पर सिर्फ मोबाइल पे कवर लगा देना या फिर कुछ एक बिस्किट लगा देना, छाती पर ब्रा पहनने से भी तो कवर होता है, उसको आप निकट नहीं मांगते। और मुझे लगता है कि जितने लोग उंगली उठाते हैं ना, सबसे ज्यादा वही जाके देखते हैं। जब मैं अपने प्रोफाइल पे सूट में फोटो डालती हूँ तो मुझे 2000 लाइक आते हैं। मैं एक बोल्ड फोटो डाल दूँ उसके ऊपर 25,000 लाइक आते हैं। क्यों? अगर आप लोग उस चीज़ को पसंद नहीं करते तो उस चीज़ को क्यों सपोर्ट करते हैं फिर आप? मैं इस चीज़ को तब अग्री करूंगी कि जब मेरी सूट की फोटो पे 25,000 लाइक आएंगे और मेरी न्यूड फोटो पे 2000 लाइक आएंगे और लोग मुझे अनफॉलो करके जाएंगे। मैं जिस दिन बोल्ड फोटो डालती हूँ उसी मेरा कॉन्टेंट बढ़ता है। तो ये जो जनता है ना, ये आपको इधर से भी नहीं जीने देती, उधर से भी नहीं जीने देती। और जितने लोग, आई थिंक, आई एम सो सॉरी, आप लोग भी खड़े हो तो शायद अकेले में भी जाके आप उर्फी जी के फोटो जरूर देखते। मतलब हमारा काम ही ऐसे देखना, आप देखते हैं ना, तो बस प्लीज आप काम ऐसा को देखना पड़ता है। आप फिर उसमें कमेंट मत कीजिए प्लीज, कि हमारी सोच का फर्क है। सोच को बड़ा करो, कपड़े अपने आप बड़े दिखेंगे। आप मीटू पे जाएंगे? मीटू है जी, मीटू बिल्कुल है। और कैसा होता है ना कि इंडस्ट्री में सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, बट इस वजह से जो मीटू चल रहा है ना, आप उसी टाइम उस चीज़ को एक्सीलेट करें, है ना। आज आपने काम किया, जो हुआ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, 2 साल के बाद जाके आपने इस पर डाल दिया मीटू, व्हाट इज दिस? जिस टाइम आपको ये आपकी चॉइस होती है। देखिए, मैं भी लड़की हूँ, मैं भी इंडस्ट्री में काम करती हूँ, मैंने भी 100 चीज़ें फेस की होंगी, मैं भी कोई दूध की धुली नहीं हूँ। बट आज मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ और 2 साल के बाद मैं जाके बोलती हूँ, क्योंकि वो चीज़ मेरे फेवर में नहीं हुई, तो मैंने उसको जाके मीटू कर दिया। तो बॉस, आप 2 साल तक कहाँ थे? आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, हम अपना जो डिसीज़न होता है ना वो रोज़ लेते हैं, बट उस टाइम हमारी भी एक्सपेक्टेशंस होती है ना, हमें भी लगता है कि शायद हम चीज़ों में ग्रो करेंगे, वो चीज़ हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो फिर 2 साल के बाद या 1 साल के बाद आप मीटू क्यों उठाते हो? उस वजह से क्या होता है ना, जो एक्चुअली में लड़कियाँ एक्सप्लॉयड होती हैं ना, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती। जहाँ जेनिटी है, जहाँ पर चीज़ें एकदम सच के साथ चल रही है, आप उस चीज़ के साथ चलो। कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं करना, मीटू करना नहीं करना, सब बॉस हम सब की चॉइस है। यहाँ पे कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझ पे अत्याचार हुआ है, मैं अबला नारी हूँ या मेरा मिसयूज़ किया गया, सब आपने चुना है। छोटे कपड़े पहनना भी हमारी चॉइस है, किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, वॉट एवर इट इज़, आप लोग जो भी सोचते हैं, जिसकी जो भी सोच है, उनसे मिलना भी हमारी चॉइस है, रिलेशनशिप में जाना भी हमारी चॉइस है, सब कुछ हमारी चॉइस है। तो इस चीज़ को आप बाद में मीटू में कन्वर्ट मत करो। उसी दिन बोलना ना, आप गए ऑडिशन देने, आपको डायरेक्टर ने बोला चलो ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ करो, ऑन द स्पॉट पेपर फेंक किया और मीटू डालो, मैं समझती हूँ, आई विल सपोर्ट यू फर्स्ट। बट आप 1 साल के बाद बोलोगे जाके कि अरे नहीं नहीं उसने तो मुझे तब ये बोला था, अब मुझे मीटू डालना है, उसने मेरे साथ ये किया, तो सॉरी बॉस, ये फिर वही कॉन्ट्रोवर्सी है, स्टंट है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे लिए। नहीं सॉरी, क्योंकि मेरा शूट चल रहा था और कुछ ऑडिशन चल रहे थे, मुझे पठान मूवी देखनी है, तो मैं बहुत जल्दी आ जाकर देखने जाऊँगी, तो इसलिए मैं उस मूवी के बारे में अभी कुछ कॉमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं यूपी से नहीं, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और मैं बहुत ही मिडिल फैमिली से हूँ। बचपन से मुझे एक्टर बनने का बहुत शौक था, बट मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं एक्टर बनूँ। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो नहीं चाहते थे कि मैं एक्टर बनूं। तो जब मेरी क्लासेस होती थी मैं स्कूल में ना, तो मोर देन मैथ्स की क्लासेस ज़्यादा मैं सिंगिंग की क्लासेस में पाई जाती थी या डांस की क्लासेस में पाई जाती थी, और इस वजह से मेरी बहुत पिटाई हुई है। मैंने बहुत 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 बार अपने घर से पिटाई खाई है। ड्रीम, मुझे बिग बॉस आना है, बिग बॉस मेरा ड्रीम हाउस है और मुझे बहुत पसंद है बिग बॉस का घर, और मैं मूवीज़ में काम करना चाहती हूँ और बहुत जल्दी एक सक्सेसफुल एक्टर के साथ साथ एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहती हूँ। क्योंकि नेम फेम तो आपके पास आएगा अगर आप मेहनती हो और अगर आप अपने क्राफ्ट के ऊपर काम कर रहे हो, बट उसके साथ साथ आपको एक बेहतर इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने काम के साथ साथ अपनी इंसानियत गिरा के या दूसरों पर कीचड़ उछाल के आगे नहीं बढ़ना चाहती। थैंक यू सो मच। गर्मी है, हॉट हॉट है, हॉट है।
छोड़ दो उसको, एक आप ले लीजिए एक मैं ले लीजिए। ओके नर्मल जी आप भी जाइए, आइए जब प्लीज आओ नर्मल आइए आइए आइए। वसीम भाई आइए, वसीम भाई आइए, जाओ जाओ हां जाओ, बहुत पोस्टर है आइए। वसीम कहां गए, वसीम कहां गए, एक मिनट ओके डन। नहीं 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 वसीम भाई भी ना चलो आइए नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। मैं संगीतकार दिलीप सेन और आज आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ऋचा शर्मा जी का एक बहुत प्यारा एल्बम आ रहा है वे दिल जानिया, जिसमें मेरे साथ ये हमारी सुपरस्टार मॉडल है, इनके ऊपर ये गाना पिक्चराइज हुआ है। और ऋचा शर्मा जी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आज की इंडस्ट्री में ये बहुत ही उम्दा कलाकार है, बहुत ही प्यारी सिंगर है, इनका एक अपना अलग स्टाइल है और इन्होंने जितना भी काम किया है ऋचा शर्मा जी ने दुनिया में हटके किया है, और वाकई में ये एक बहुत ही होनहार कलाकार है। तो मेरी तरफ से ऋचा जी को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ, और सारी टीम के साथ साथ जो ये मीडिया आई है इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग समय समय पर आकर हम लोगों को कवरेज करते हैं और बड़ी प्यारी प्यारी कवरेज देते हैं और दुनिया तक ये म्यूज़िक सुनने के लिए हमारे को ले जाते हैं, दिखाते हैं। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और दोस्तों भाइयों बहनों और जो मेरे चाहने वालों जो मेरा संगीत सुन के मुझे दुआएं देके इस मुकाम तक पहुँचाया है, तो आप सब भी वे दिल जानिया म्यूजिक सुने, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी मॉडल जी को भी आगे बढ़ाएं। अब मेरे लिए कुछ बोल दो दिलीप। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करना चाहूंगी, थैंक यू सो मच कि आप अपना काम छोड़ के मेरे लिए आए जी। और अब जैसे आए ना तो सब कुछ मीडिया कैमरा छोड़ के मेरी आपके ऊपर नजर चली गई थी, सारी मालाओं के ऊपर जी। बहुत तो अब मैं इनका राज तो जरूर आपके साथ एक दिन बैठ के जानना चाहूंगी कि हरी से एक माला के पीछे का रीजन क्या है जी। वो तो है सब दुआओं के, ये मालाएं नहीं है, ये दुआएं है, प्यार है, आशीर्वाद है और भोले की कृपा है। फ्यूचर में मैं चाहूंगी कि मैं बहुत जल्दी आपके साथ काम करूं। बिल्कुल करेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसके लिए वसीम जी को और नजमा जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया, और मीडिया को भी बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने मुझे कवर किया। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल।